अपने बनाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाई कितनी वैल्यू है पढ़ाई की, आज ये मैं समझता हूँ। अगर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा के वकील ना बनाया होता तो क्या आज मैं यहाँ होता? बहुत वैल्यू पढ़ाई की। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई इंसान बनने के लिए और जीने के लिए भी होती है। सोचे ना, आपने पढ़ाई की है हाई स्कूल तक, तो आपको क्या पता कि ग्रेजुएशन में या इंटर में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या और किसी डिग्री में क्या है? जब आप सीखोगे नहीं तो सिखाओगे क्या? फिर मैं और बुनियादी बात करता हूँ। जब एग्जाम की डेट आती है या आप भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं, भर्ती की आती तो आपसे बनने की उम्मीद रखती है। ऐसी उम्मीद जैसा आपको मुझे यहाँ तो एक लंबा अनुभव दर्शन भी है, यानी के नौजवानों के साथ एक सीनियर लोगों का भी आशीर्वाद है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे भर्ती आती है ना, अखबार में विज्ञापन आता है, तो बच्चों के मन में सपने जग जाते हैं नौजवानों के। हम तो और बात बताएं, देखो क्या करें, स्पष्टवादी है। जो किसी कोई लड़का हो तो वो जब किसी लड़की से प्रेम करे तो उसके मन में सपना जग जाता है कि अब नौकरी मिलेगी तो कहेंगे कि भाई शादी के लिए बढ़ जाओ, आगे परिवार से बात करें कि अब तो कमाने लायक हो गए। अपनी लड़की उसको ये लगे कि अपने पैरों पे खड़े होने का मौका आ गया है। अब मैं सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप मेरे शादी कर दो, तो अब मैं कहूंगी कि मुझे जो चुनना है मैं उसके साथ शादी करूंगा। मतलब एक अवसर, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आपको मौका है कि आप क्या